माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा खुशखबरी आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप 2021 नीट का एग्जामिनेशन अभी आपने लिखा और अगर आपको लगता है कि मैं अपने और रैंक को इम्प्रूव करना चाहता हूँ या मेरा स्कोर कम हो रहा है, मुझे और अच्छा स्कोर करना है अगले साल 2022 में हमें नीट लिखना है, तो आपके लिए NTA जो है वो आपके MBBS की राह को आसान करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा जो आपका बनता है वो फिजिक्स बनता है। मैं आपको बता दूं कि NTA फिजिक्स को बाय बाय करने की तैयारी में है और इसके रिगार्डिंग स्वास्थ्य मंत्रालय और NTA के बीच में मंथन शुरू हो चुका है। जी हाँ, एग्जैक्टली एक लॉजिक दिया गया है कि भैया फिजिक्स की जरूरत जो है वो मेडिकल की पढ़ाई में नहीं होती है, मेडिकल की पढ़ाई में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, इसलिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बेसिस पे ही रैंक आधारित किया जाए। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है उसमें यह सिस्टम लिखा हुआ भी है कि जिसको जिस चीज की सब्जेक्ट की जरूरत है उसी में उसका स्किल डेवलपमेंट कराया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और NTA के बीच में मंथन शुरू हो चुका है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर आपके लिए खुशखबरी हो सकता है कि फिजिक्स का एग्जामिनेशन जो है वो जस्ट एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बनकर रह जाएगा, जैसा इसमें लिखा हुआ है, यहां साफ साफ लिखा हुआ। मैं इसको अभी थोड़ी देर में अपने कम्युनिटी में भी ये पोस्ट डाल रहा हूं, मतलब फिजिक्स को बाय बाय कहने की तैयारी है। फिजिक्स जस्ट एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होगा कि मान लो कि मिनिमम आपके पास 45 क्वेश्चन अगर वहां पे दिए हुए थे करने के लिए, तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन करना कंपलसरी होगा, तब आपका कॉपी चेक होगा। इस तरह से एक मिनिमम क्वालिफाइंग एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा उसको, फिजिक्स को, ताकि आप आसानी से जो है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करें और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही आपका रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट हो। मतलब जो मैंने स्लोगन दिया था कि केमिस्ट्री को बनाए अपना रैंक डिटरमाइनिंग सब्जेक्ट, वो अब आपको देखने को मिल रहा है कि NTA इस मोड में आ चुकी है और ये इसमें पूरी तैयारी एक्चुअली शुरू हो चुकी है। और आपको बता दूं कि साफ साफ लिखा गया यहां पे कि अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही कोई निर्णय हो सकता है। खास बात यह है कि नीट के आकलन पैटर्न में बदलाव के इन सुझावों के पीछे जो तर्क दिया गया है वो तर्क ये दिया गया है कि इसमें इस मेडिकल की पढ़ाई में बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े ज्ञान की ही उपयोगिता है, साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे में छात्रों को योग्यता को इन्हीं दोनों विषयों के आधार पर दिया जाए और परखा जाए। रही बात फिजिक्स की, तो इसमें छात्रों के लिए सिर्फ न्यूनतम अंक हासिल करने की बाध्यता हो, यह सुझाव इसलिए भी अहम है क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आमतौर पर फिजिक्स एक कठिन समस्या है। तो जो आपकी कठिन सब्जेक्ट के रूप में जाता था फिजिक्स, फिजिक्स को लेकर जो आपके पास टेंशन बनता था, निश्चित तौर पर यह टेंशन रिलीज होने की संभावना 2022 में है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि अगर ऐसा होता है तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा निश्चित तौर पे इंक्रीज होगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट का लेवल भी आपको थोड़ा उठाना पड़ेगा। जो डायरेक्टली आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते थे उससे थोड़ा स्टैंडर्ड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। और जैसे इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का मोहर लगता है, NTA की तरफ से फिर कोई नोटिस जारी होता है, मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा, बने रहिएगा मेरे तक। तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए और जल्दी जल्दी मेरे लाइव सेशन का इंतजार कीजिए, मैं लेके आ रहा हूं जल्दी आपको।